हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नॉन कॉर्डेटिस जनरल कैरेक्टर्स। प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप स्टडी करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडा के बारे में। ये एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर है 4, किंगडम एनिमल। फाइलम इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा की बात करेंगे, ये लास्ट फाइलम है। मायसेफ दत्ता सिंधे बायोलॉजी ट्यूटोरियल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होता है नॉन कॉर्डेटिस, उसे इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और दूसरा ग्रुप होता है फाइलम कॉर्डेटी। तो इसके पहले जितने भी वीडियो थे नॉन कॉर्डेटिस के, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लाटीहेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बारे में, सभी ये टोटल एट फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स और उनके एग्जांपल की चर्चा की है। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है नीट में। अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे नॉन कॉर्डेटिस या इनवर्टिब्रेट्स का 9th फाइलम है इकाइनोडर्मेटा और 10th फाइलम है हेमिकोडेटा, इनकी चर्चा करेंगे। साथियों, पहले देखेंगे कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर की यहाँ बात करते हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिल्स। ये क्या बात होती है? कैल्केरियस यानी कि ये मोस्टली और ये पार्टली कंपोज्ड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी। इनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट एलिमेंट्स की बनती है और एम्बेडेड इन द डर्मिस। इनकी जो भी डर्मिस होती है, बॉडी वॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को इकाइनोडर्म्स कहते हैं। ये इकाइनोडर्म्स, कैल्केरियस ऑसिल जितने भी होते हैं इनके बॉडी पर, ये प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। आप देखेंगे प्यारे दोस्तों कि ये इकाइनोडर्म्स एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिल्स, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के ऑसिल इनके बॉडी पर होंगे और ये प्रोवाइड करेंगे रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। ऑसिल्स की जब बात करते हैं, ये कवर्ड होते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस यानी कि स्किन है, इसलिए हेंस द नेम इकाइनोडर्म्स। ये इकाइनोडर्म्स यानी कि स्पाइनी बॉडीज होती है एपिडर्मिस पर। दोस्तों, ये इकाइनोडर्म्स सभी एनिमल्स ऑल आर मरीन, समुद्र के पानी में या खारे पानी में रहते हैं सभी मेंबर्स, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? व्हेन ऑर्गन वर्क टुगेदर, इनके जितने भी ऑर्गन होंगे सभी टुगेदर वर्क करेंगे तो परफॉर्म सम फंक्शन लाइक सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन। ऐसे अरेंजमेंट को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा करते हैं। द एडल्ट्स, आगे क्या लिखा है कि इकाइनोडर्मेटा के जो भी मेंबर्स होते हैं, एडल्ट्स मेंबर इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री की बात क्या कहते हैं कि बेसिक जो भी बॉडी प्लान होगा, यहां पर देखिए इस डायग्राम में दो बेसिक बॉडी प्लान विच द ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ, दो भागों में बट जाएंगे। कैसे? बाय पासिंग अ प्लेन एट एनी एंगल अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। ये सेंट्रल एक्सिस से कैसे भी काटे तो दो ही भागों में बट जाएंगे, ऐसे सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बट यहां पर एक कंडीशन डाली है, इस कंडीशन है जब ये इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स लार्वी स्टेज में होंगे तो उनकी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होगी। बायलैटरल सिमेट्री किसे कहते हैं? इसके पहले वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया है दोस्तों। बायलैटरल सिमेट्री, अगेन मैं आपको बात दोहरा रहा हूं, बायलैटरल सिमेट्रिकल यानी कि जब लार्वल स्टेज में ये इकाइनोडर्मेटिस के मेंबर्स होंगे तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड अलोंग अ प्लेन दैट डिवाइड्स द एनिमल इनटू लेफ्ट एंड राइट, दो भागों में सिमिलर, दो राइट और लेफ्ट भागों में बढ़ जाएगी। जैसे ह्यूमंस होंगे या शार्क्स होंगे या डॉग्स होंगे, इनकी बॉडी बायलैटरल होती है। ऐसे मेंबर्स को ये इकाइनोडर्मेटा के मेंबर ये बायलैटरल सिमेट्रिक के होते हैं, याद रखना। साथियों, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि याद रखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, कई सारे नॉन कॉर्डेटिस के मेंबर्स में, फाइलम नॉन कॉर्डेटिस के मेंबर में ये ट्रिप्लोब्लास्ट की बात आई है,
तो इनकी बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम थ्री एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स होते हैं, आप जानते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये मल्टीसेलुलर एनिमल एक्सेप्ट स्पॉन्जिस और सिलेंडर। तो ये तीनों लेयर जिस ऑर्गेनिज्म में पाएंगे, कौन से तीनों लेयर, एक्टो मेसोडर्म और एंडोडर्म, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और ये डर्मेटीज के मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। सिलोमेट्स क्या बात है, सिलोमेट्स यानी कि मेन बॉडी कैविटी, उसे सिलोम कहते हैं। ये कंप्लीट लाइन होती है, लाइनिंग होती है पेरिटोनियम की, और ये पेरिटोनियम डिराइव होता है एम्ब्रियोनिक सिस्टम में मेसोडर्म से। तीन आप जानते हैं कि प्राइमरी टिश्यू लेयर्स होते हैं एम्ब्रियो के, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इनसाइड द बॉडी टू सराउंड एंड कंटेन अ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अदर ऑर्गन्स, मोस्ट बायलैटरल एनिमल्स इंक्लूडिंग ऑल वर्टिब्रेट्स एंड सिलोमेट्स, कि बायलैटरल सिमेट्री के सभी मेंबर जो भी होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं, याद रखे। बेहद ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कर रहा हूं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये कंप्लीट होती है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट यानी कि ये पूरा कंप्लीशन होगा, डाइजेस्ट माउथ और एनस होगा, विथ माउथ ऑन लोअर साइड होगा। इकाइनोडर्मेटिस में ये माउथ लोअर साइड होगा यानी कि वेंट्रल साइड को होगा, और एनस अपर पार्ट पर होगा, ये डॉर्सल साइड पर। ये लाइन को अच्छी तरह से पढ़े प्यारे दोस्तों। माउथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये माउथ ये लोअर और वेंट्रल साइड को होगा, और जब बात करते हैं एनस की तो ये अपर और डॉर्सल साइड को, यहाँ पर आपको ये अपर और डॉर्सल साइड को कहीं तो भी ये माउस होगा। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स किसका, इकानोडर्मेट फाइलम इकानोडर्म्स का, इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये स्पेशल वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाई जाती है, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प कैसे, ये लोकोमोशन के लिए, हलचल करने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के लिए ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्मेटिस में पाई जाती है। साथियों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसे गौर से सुन ले या गौर से स्टडी करो। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्हें एब्सेंट होती है, एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स इनमें नहीं पाए जाते, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होती है, नहीं वेस्ट प्रोडक्ट्स ये एलिमिनेट नहीं कर सकते। और बात करते हैं सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग, ये डायोशियस होते हैं, ऐसे कंडीशन को डायोशियस कंडीशन कहते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। साथियों रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल यानी कि ये पानी के अंदर मैच्योर स्पर्म छोड़ेंगे ये मेल वाले, और फीमेल वाले जो भी होंगे वो ओवा यानी कि एक ये शेड करेंगे, और शेड करके ये फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट्स का पानी के अंदर होगा। ये हुई बात है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। साथियों आगे बात करते हैं इनके डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, पानी के अंदर जो भी लार्वा होगा तो ये फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, और ये लार्वा एक से हैच होगा, लार्वा इज हैच्ड फ्रॉम द एग्स, लार्वा दिन मेटामॉर्फाइज। लार्वा क्या होगा, लार्वा ये फ्री स्विमिंग लार्वा की बात करते हैं तो ये लार्वा मेटामॉर्फाइज होगा, कन्वर्ट होगा अडल्ट इकानोडर्म। ये हुई बात इसकी, डेवलपमेंट ऑफ इकानोडर्मेट कौन सी, इनडायरेक्ट होती है, प्री स्विमिंग लार्वा कंडीशन है। साथियों आगे देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, फाइलम इकानोडर्म्स के एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए है। पहले देखिए कि पहला एग्जाम्पल है एस्टिरियास, इसे स्टार फिश कहते हैं, स्कूल लेवल से आप पढ़ रहे अभी इसे एस्टिरियास कहेंगे, यानी कि ये जीनस है उसे स्टार फिश कहते हैं कॉमन लैंड। दूसरा एग्जाम्पल है इचिनस, इसे सी अर्चिन कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये इचिनस आपको दिखाई दे रहा है, इसे सी अर्चिनस कॉमन नेम है इसका। तीसरा है एंटीडॉन, उसे सी लिली कहेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ये लिली जैसा दिखाई दे रहा है, सी एंटीडॉन। ओके साथियों तीसरा ये फोर्थ एग्जाम्पल है कुकू मारिया, उसे सी कुकुम्बर कहते हैं, ये कुकुम्बर जैसा दिखाई दे रहा है, ये है एब्डोमिनल यानी कि एनस का पार्ट, ये है दांत को दिखाई दे रहा है, माउथ का पार्ट कुकू मारिया।
ये सभी कैनोडर्म्स के मेंबर से। और लास्ट एग्जांपल है ऑफियूरा। ऑफियूरा ये स्टारफिश जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन ये स्टारफिश से अलग होता है, तो भी ये इकर्नोडर्म्स का ऑफियूरा। ऑफियूरा उसे ब्रिटल स्टार कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफियूरा ब्रिटल स्टार दिखाई दे रहा है। ये हुई बात फाइलम इकर्नोडर्मेट की। आगे बात करते हैं फाइलम हेमीकॉर्डेट की। साथियों आप यहाँ पर हेमी यानी कि हाफ, इसका मीनिंग होता है हाफ होता है। कॉर्डेटा यानी कि ये नोटोकॉर्ड जो भी होता है वॉज अर्लियर ये कंसिडर एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। याद रखना कि नोटोकॉर्ड की जब बात करते हैं हाफ नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड ये फ्लेक्सिबल होता है, रॉड शेप्ड बॉडी होती है, फाउंड इन एम्ब्रियो ऑफ ऑल कॉर्डेटिस। जितने भी कॉर्डेटिस के मेंबर होते हैं उनमें ये नोटोकॉर्ड होता है। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आप जानते हैं कि थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्मल ओरिजिन से ये नोटोकॉर्ड बनता है। वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा में इन्हें इस हेमीकॉर्डेटा को रखा था पहले ये टैक्सोनॉमिस्ट ने, लेकिन बाद में इसे नॉन कॉर्डेटिस में डाला क्योंकि नॉन कॉर्डेटिस के कैरेक्टर हेमीकॉर्डेटा में ज्यादा है कॉर्डेटा की कंपेयर से। प्यारे दोस्तों बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का फाइलम है हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटिस ये रूडिमेंट्री इन अ कॉलर रीजन। देखिए यहाँ पर आप इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, तो हेमीकॉर्डेटी हैव रूडिमेंट्री इन कॉलर रीजन, उसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपको ये कॉलर रीजन दिखाई दे रहा है और यही कॉलर रीजन में ये कॉलर रीजन को स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड जैसा होता है इसका। और जब बात करते हैं ये स्टोमोकॉर्ड के बाद बात करते हैं कि ये हैबिटेट की, तो ये फाइलम के मेंबर जितने भी होते हैं ये स्मॉल ग्रुप होता है, ज्यादा इनकी स्पीशीज नहीं है। स्मॉल ग्रुप वॉर्म लाइक होते हैं एंड ऑल मराइन एनिमल्स होते हैं। सभी मेंबर्स मराइन एनिमल यानी कि समुद्र की पानी में पाएंगे, फ्रेश वाटर में इनके मेंबर नहीं होंगे। याद रखिए आपको भी पूछ सकते हैं नीट में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सम फंक्शंस जैसे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन हो या डाइजेशन, ये एक साथ काम करेंगे ऐसे सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये हुई बात ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ। आगे बात करते हैं साथियों कि बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये सभी ये हेमीकॉर्डेटिस के मेंबर्स, यानी कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड अलोंग अ प्लेन दैट डिवाइड्स द एनिमल इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स, ऐसे सिस्टम को बायलैटरल सिमेट्रिक कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स आप जानते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। सभी मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में एक्सेप्ट स्पॉन्जेस और सिलेट्रेट्स, और ये हेमीकॉर्डेटा के मेंबर्स ऐसे कंडीशन को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। सिलोम यहाँ पर देखिए कि ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। मेन बॉडी कैविटी उसे सिलोम कहते हैं। कंप्लीट लाइनिंग उसे डिराइव्ड मेसोडर्म से होती है। थ्री प्राइमरी टिश्यू आप जानते हैं कि लेयर्स होते हैं और इनसाइड द बॉडी टू सराउंड और कंटेन डाइजेस्टिव ट्रैक होगा इसे और अदर ऑर्गन्स भी होंगे, ऐसे इंक्लूडिंग करते हैं वर्टिब्रेट, ऐसे एनिमल को सिलोमेट्स एनिमल कहते हैं। इस पिक्चर में देखिए आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों जब लेयर आएंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। सिलोमेट यानी कि बॉडी कैविटी कवरिंग है डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, ये बाहर का पार्ट है, ये सिलोम आपको दिखाई दे रहा है पूरी बॉडी कैविटी। और डाइजेस्टिव ट्रैक डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म से होगा और इनका पैरेंकाइमा टिश्यू लेयर डिराइव्ड फ्रॉम दिस, ऐसे एनिमल्स को सिलोमेट होते हैं। सभी हेमीकॉर्डेटिस के मेंबर सिलोमेट होंगे। बात करेंगे कि बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होगी और कैसे बनेगी। एंटीरियर ये सामने यहाँ पर देखिए, एंटीरियर इस पिक्चर में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, एंटीरियर साइको प्रोबोसिस होगा। प्रोबोसिस ये एक्टिव पार्ट ऑफ बॉडी होता है इन्हीं सभी मेंबर्स में, जितने भी मेंबर्स होते हैं प्रोबोसिस होता है, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है ये ब्रोइंग करते हैं, एक्सक्लूसिव डन बाय ए प्रोबोसिस, जहां पर ये समुन्दर की शिशोर में ये बिल बनाते हैं और ये ब्रो करेंगे, एक्सक्लूसिवली डन बाय द प्रोबोसिस। दूसरा पार्ट होता है कॉलर, यहाँ पर ये देखिए प्रोबोसिस। दूसरा पार्ट है कॉलर,
प्रोबोसिस ये क्या होता है, पहले पार्ट की चर्चा करेंगे। प्रोबोसिस यानी कि एक्सटेंसिबल ट्यूबुलर सकिंग ऑर्गन होता है। और बात करते हैं बरोइंग, यहाँ पर देखिए ये बरोइंग की बात की है, ये बरोइंग, बरोइंग यानी कि ये एनिमल मेक्स होल्स और टनल्स बनाएगा जहां पर ये समुद्र में पानी में मक्की में रहेगा। ये करेगा बरोइंग टिपिकली फॉर यूज ड्वेलिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस। प्रोबोसिस से ये बरोइंग बिल बनाएगा और बिल में रहेगा। तो बरोइंग एक्सक्लूसिव डन बाय प्रोबोसिस। दूसरा पार्ट है कॉलर। तो कॉलर ये मार्किंग, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रही है कॉलर, हाईलाइट कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कॉलर, कॉलर ये मार्किंग अराउंड द नेक होगी होगी, ऐसे ये सभी एनिमल्स में होगी कॉलर, नेक को कॉलर कहते हैं। और बात करते हैं ट्रंक की, लॉन्ग ट्रंक होगा यहाँ पर, ये सभी सभी ये कॉलर के बाद पूरा ये आपको ट्रंक दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, देखिए ये हुई बात है ट्रंक की। ट्रंक की चर्चा करते हैं तो ट्रंक ये पूरा लेंथ वाइज होगा। नेक्स्ट है कि बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि ये ओपन यानी कि इनमें क्या नहीं होगा, आर्टरीज और वेंस नहीं होंगे, आर्टरीज और वेंस नहीं होंगे, ऐसे ये पूरे इसमें आर्टरीज और नहीं वेंस नहीं होंगे, ऐसे सिस्टम को ओपन टाइप ऑफ सिस्टम कहेंगे। रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो गिल्स से होगा। यहाँ पर देखिए आपको इस डायग्राम में गिल्स लीड दिखाई दे रहे हैं और ये गिल्स, इससे रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में गिल्स फल फिल्टर आउट करेंगे ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, वाटर से ऑक्सीजन फिल्टर आउट होगा और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड, बॉडी के ब्लड में, आपने पहले ही आप लोग आपको कहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है और ब्लड डायरेक्टली, ये ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स, ये नो वेसल्स तो नहीं होंगे। और रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि ये रेस्पिरेशन गिल से होता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबायोसिस ग्लैंड्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं नेट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, प्रोबायोसिस ग्लैंड्स, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है प्रोबायोसिस, ये प्रोबायोसिस में ग्लैंड्स होगी। ये सबस्ट्रेट ईटर्स होते हैं बेलंगलोसिस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्लोमेरुलस होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये प्रोबायोसिस के अंदर ग्लोमेरुलस, यहाँ पर देखिए ये ग्लोमेरुलस होगा, प्रोबायोसिस ग्लैंड कहते हैं ग्लोमेरुलस, कौन सी ग्लैंड, प्रोबायोस में आप प्रोबायोस के अंदर ग्लोमेरुलस होगा एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट इलिमिनेट करने के लिए ये ग्लोमेरुलस काम आता है। और सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल डिफरेंट और फीमेल डिफरेंट, ये आपको पहचानेंगे मेल और फीमेल डिफरेंट, सेक्सेस सेपरेट होंगे। और आगे बात करते हैं साथियों, आगे बात करते हैं सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, सभी मेंबर्स फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, यानी कि क्या होता है कंसेप्ट आपके लिए करें, मैच्योर स्पर्म एंड ओवा शेड इनटू द बरोस, जो भी बरोस में रहते हैं बिल में रहते हैं, मैच्योर और स्पर्म और एग्स पानी में भी जो उस बरो में बिल में होगी और बिल में ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसे कंडीशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और लास्ट बात करते हैं डेवलपमेंट की, इसकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वा स्टेज, लार्वा एक से लार्वा हैच होगा, लार्वा इज हैच्ड फ्रॉम एग और ये लार्वा मेटामॉर्फोइज्ड होगा, यानी कि लार्वा की, लार्वा का कन्वर्शन एडल्ट हेमिकॉर्डेटेस के मेंबर्स में होगा, तो ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए साथियों, आपको ये प्रोबायोसिस बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कॉलर है और ये ट्रंक दिखाई दे रहा है और एनस ये एंड पार्ट होता है और आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर देखिए माउथ और हार्ट, प्रोबायोस के बीच में होता है, प्रोबायोस चोट के बीच में होता है, कॉलर रीजन में, ये है बात किसकी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और लार्वा स्टेज। साथियों बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेट की एग्जांपल्स की, तो दो ही एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी ने दिया है, पहला है, पहला एग्जांपल है बेलानोग्लॉसस, उसे टंग वॉर्म कहते हैं, एनसीईआरटी ने ये वर्ड नहीं लिखा आपके लिए दिखा
कह रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है कौन सा, सैकोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस, ये वही बात तो एग्जांपल की याद रखना। ये कनेक्टिंग लिंक है हेमिकोर्डेटा ए टेंथ फाइलम, ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन कॉर्डेटिस और कॉर्डेटिस के। हेमिकोर्डेटा में ज्यादा से ज्यादा नॉन कॉर्डेटिस में कैरेक्टर पाए जाते हैं, कॉर्डेटिस के कम पाए जाते हैं, इसलिए पहले इन्हें कॉर्डेटिस में रखा था, बाद में ज्यादा कैरेक्टर्स नॉन कॉर्डेटिस के थे, इसलिए इस फाइलम को स्पेशल नॉन कॉर्डेटिस में रखा है, टेन फाइलम एज इट इज। साथियों यहाँ स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को, आप अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।